सो अभी चलते हैं यहाँ से जागेश्वर धाम की ओर, तो वहीं जाके भी लेंगे अब सीधे, और थोड़ा सा व्यूज वगैरह दिखाऊंगी रास्ते में आप लोग को मैं पहाड़ी, और इनके हालात देखो। तो गाइस बूबू बना रहे थे ऊपर रोड में चाय पत्ती, तो मैं चले गई देखने के लिए उनसे पूछ के हैं चाय पत्ती जो भी कर रहे मेरे को ज्यादा। तो सामने के नज़ारे तो आप लोग देख ही रहोगे कितना मस्त लग रहा है व्यू, और पहाड़ एक पहाड़ छोटा पहाड़ बड़ा पहाड़ बहुत ही मस्त व्यू है। तो दगड़ियों यहाँ से है 3 किलोमीटर अंदर जाके जागेश्वर धाम मंदिर, तो हम लोग चल देते हैं यहाँ से सीधे, और अभी हम लोग आ रहे हैं झाकरसैन मंदिर से होके अब जाएंगे जागेश्वर धाम की ओर। तो देख सकते हैं पतिदेव और मैं, और क्या नज़ारा है यार, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा भाई, और देखा नहीं गई मतलब जिंदगी सफल हो गई, मतलब पहाड़ों पर आ गए ना मज़े। यहाँ से अंदर जाके है जागेश्वर धाम की पार्किंग, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर पार्किंग वगैरह होती है। यहाँ से फिर सब लोग पैदल जाते हैं 3 किलोमीटर पैदल, मतलब कोई कोई गाड़ी लेके जा सकते हैं, मतलब जो अपनी पर्सनल गाड़ी से है वो तो लेके जा सकता है, पर जो श्रद्धा से आता है वो तो पैदल पैदल भी जाता है। तो इससे पहले जब मैं गई थी तब मैं पैदल गई थी। तो यहाँ पर है मोक्ष धाम आश्रम, यहाँ से नीचे जाके उधर अंदर कभी भी आप लोग जागेश्वर धाम जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर रास्ते में पूरे के पूरे रास्ते में ऐसे छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे को भी एक मंदिर है, फिर उसके बाद यहाँ से मंदिर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो आगे को आपको रोड में भी मंदिर और गुफाएं वगैरह भी बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं सामने में आप लोग को एक गुफा दिखी होगी यहाँ पर ना, जब हम पिछली बार गए थे तो एक बाबा जी बैठे हुए थे, और यहाँ पर को भी एक मंदिर है छोटा सा। तो यहाँ सारे मंदिरों के ऊपर से टॉप में ना एक चक्र जैसा बना रहता है, तो उसके बारे में भी अभी आप लोग को बताएंगे हम कि क्या क्यों वो चक्र बना रहता है और कब से वैसा है। सो गाइस अभी हम आप लोग को दिखाएंगे यहाँ का स्ट्रक्चर्स कैसा है, बहुत पौराणिक पौराणिक है, एक एक पत्थर में यहाँ पर कढ़ाई बढ़ाई वगैरह रखी गई है। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर देखिए आप लोगों के पीछे, तो इसमें देख सकते हैं कैसे बना हुआ है पूरा का पूरा, मतलब पत्थरों में गुद के ये सब बना हुआ है। हाँ तो आप अपना पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य निर्मल भट्ट है जी, तो बताइए जी ये जो है जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो ये 8वीं ज्योतिर्लिंग आते हैं, नागेश्वर दारुका ने इनका वर्णन आता है पुराणों में, और बाबा जो है यहाँ पे आदि अनादि कालों से विराजमान है। जो मंदिर का यहाँ पे बाहर का स्ट्रक्चर है पूरा 125 मंदिरों का जैसे समूह है, तो बाहर का जो स्ट्रक्चर हुआ है 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये बना हुआ है। और अभी तो यहाँ पे मोदी जी आए थे 12 अक्टूबर को, तो तब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश वगैरह रहा है, काफ़ी भीड़ हो गई है, अब देश विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। पहले तो हमारे उत्तराखंड के लोग जिनको नॉलेज थी यहाँ के बारे में उनको था, वही लोग आते थे, लेकिन अब काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कई लोगों को पता चल रहा है इस ज्योतिर्लिंग के बारे में, कई लोगों को तो ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी ही नहीं है। जो लोग जैसे स्कंद पुराण मानस का शिव पुराण इत्यादि पढ़ते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ की जानकारी रहती है कि हाँ यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, नहीं तो वैसे कई लोगों को तो अभी ये भी पता नहीं है कि जो है ज्योतिर्लिंग है। तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी यहाँ, जो इसके ऊपर से ये मंदिर के ऊपर से ऐसे बने हुए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा भगवान का होता था कि उनको सुनाई देता था, तो तब से बंद कर दिया ऐसा कुछ। जैसे कहीं भी मंदिरों में ना कुछ ऐसे पुरानी पौराणिक मंदिरों में आप जाते हैं तो उनके ऊपर मंदिर के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरीके की आकृतियाँ या कुछ ऐसे चक्र टाइप के बने होते हैं, इसलिए बने होते हैं कि वाइब्रेशंस कह दीजिए, जैसे हम अपनी मनोकामना के स्मरण करते हैं या कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आप में जो मंदिरों में मिलती है तो उसी के उससे बनाए जाते हैं। हर सारे मंदिरों में यहाँ पे हमारे कुमाऊँ के मंदिरों में जो चंद्रवंशी राजाओं द्वारा बनाए गए हैं, तो उन सारे मंदिरों में इस तरीके की, तो ये जो ऊपर से रखा हुआ है ना ऊपर से बंद करके ढक्कन जैसा, यहाँ पे 125 मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों में चाहे शिव जी के हों चाहे अन्य देव देवताओं के हैं, लेकिन सारे मंदिरों में वो चक्र बने हुए हैं। जी जी बस वो। तो पंडित जी से बात करने के बाद हम लोग चले गए आगे की तरफ, यहाँ पर एक कमल कुंड है, देख सकते हैं कितना प्यारा है, इसमें कमल भी खिले हुए बहुत प्यारे प्यारे, और इस टाइम पे भी ना बरसात के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, मतलब लोग आए हुए थे, और ये रहा कमल कुंड प्यारा सा, कितना सुंदर लग रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग ना नंबर देख रहे होंगे 65 68, तो ये मंदिरों की संख्या है, यहाँ पर 125 मंदिर हैं।
तो 125 मंदिर तो हैं, पर इनमें से ना सब में से मूर्तियाँ हटा दी गई हैं जो रख दी गई है म्यूज़ियम में, क्योंकि पहले ना वहाँ पर से चोरियाँ वगैरह हो जा रही, तो इस वजह से सब की सब मूर्तियाँ जो है वो म्यूज़ियम में रख दिया। वहीं पर एक म्यूज़ियम भी, आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं सारी सारी मूर्तियाँ वगैरह। तो यहाँ पर पतिदेव का बन रहा था ब्लॉग, और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं। तो आप लोग को इसका नक्शा ना सबसे स्टार्टिंग में, जब आप लोग शूज़ जहाँ पर रैक होगा ना वहाँ पर को, तो उसके पति ने मेरे सर में बांध दिया ये रुमाल पहाड़ी वाला लुक करने के लिए क्रिएट, क्योंकि इनको मैं पहाड़ी लुक में बहुत पसंद हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसे कर रहते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कैसे बंदर ना, बंदरों से बहुत बच के रहे, मेरे तो पीछे पड़ गया था, मैं तो भाग गई। उसके बाद देख सकते कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बंदर। तो जब कभी आप लोग कमल कुंड पर पहुँचे तो यहाँ से एक गेट दिखेगा, यहाँ से नीचे देख सकते कितना प्यारा झरना चल रहा है, और ये चले भी गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा देवदार का पेड़ है यहाँ पर, इतना प्यारा सा, इतना बड़ा सा। और मंदिर यार इतनी कढ़ाई इनमें इतनी अच्छी है ना, हाथ से करी हुई कारीगरी है। और देख सकते हैं कितने लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसे देख रहे हैं ना जैसे क्या जो कर रहे होंगे हम, तो शर्म भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी। दारू का वृक्ष रूपी, तो देख सकते कितना बड़ा है। और यहाँ पर है धूनी, और उसके बाद हमें मिला एक प्यारा सा डॉग। तो इसके साथ करते अपने ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। अब